देखिए, लोगों ने जो बताया और जो हमने महसूस किया, दोनों में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं और बहुत सी चीज़ें अलग भी हैं। मसलन ऐसा भी है कि हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि दंगा जो है वहाँ के मुकामी लोगों के बगैर मिले हुए हुआ है। वहाँ के लोग मिले हुए थे, हिंदू या मुस्लिम। देखिए, दंगा मैं इसलिए दंगा इसे नहीं कह रहा हूँ, ये नरसंहार है। पहली बात तो ये कराया गया, और कौन कराया है इसमें कोई शुभा नहीं है कि ये प्री प्लान था और बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कराया है। बाकायदा वहाँ लोगों ने जो बताया वो ये बताया कि पहले से इस तरह धमकियाँ दी गई थी कि हारने के बाद क्या होगा। और जिस इलाके में मैं गया था शिव विहार के, उस इलाके में आम आदमी पार्टी जीती है, बीजेपी की हार हुई। और किस तरफ से लोग आए थे वो सारी चीज़ें सब, ऐसा नहीं है कि उसमें हमने तकरीबन, कल मैं गया था, तकरीबन 150-200 घरों तक का हमने एक एक घर फर्दन फर्दन हमने देखे हैं, 150-200 घरों के आसपास। उसमें 14 से 15 घर गैर मुस्लिम के हैं। अब आप ये देखिए उसमें क्या चीज़ें हैं। मसलन आप ये कह लीजिए कि मुस्लिम जितने भी घर हैं, दुकानें हैं, वो जलाई गई हैं, लूटी गई हैं, दोनों हुआ है। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम घर है, अगर उनको, उसको उन्होंने टारगेट भी किया है तो सिर्फ लूटा है, जलाया नहीं है। बाकी मुस्लिम जो घर है सारे, सबको जलाया और लूटा दोनों तरीके से किया गया, चीज़ें जलाई गई हैं। लेकिन उन हिंदू भाइयों से भी हमने बात की, क्या मसला था आखिरकार, आपको क्यों लूटा गया? तो उन्होंने कहा, उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया, मेरे पास वीडियो, में फर्जी बात नहीं कर रहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें मारा पीटा। एक औरत ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे शौहर का मार के सर फोड़ दिया, इसलिए कहा कि तुम साले कैसे हिंदू हो, गाली भी दी और कहा कि तुम मुसलमानों की मतलब हिमायत में जा रहे हो, तुम कैसे हिंदू हो। उसके लिए उनके जो है बच्चों को मारा भी, औरतों को मारा, हिंदू औरतों को और जो है उनके बच्चों को मारा पीटा, सर फाड़ दिए, पैर तोड़ दिए, ये सब चीज़ें हुई हैं हिंदुओं के साथ। एक महिला जो हमें 19 नंबर गली में मिली, उन्होंने, उनके सामने ही है, 19 नंबर गली के सामने ही घर है, उन्होंने बताया कि जो है हमने पूरी शादी की तैयारी कर रखी थी, 2 मार्च को उनकी शादी थी उनके घर में, बेटी की, उनकी 5 बेटियाँ, तो उनकी बड़ी बेटी की शादी थी। शादी का सारा सामान लूट ले गए, मारा भी सबको, उनकी बहू को मारा, सिर्फ इसलिए कि वो लोग मुसलमानों की ये बचाने के आए कि हम मुस्लिम भाई, हम हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं, सिर्फ ये बात कही थी उन्होंने। और ये कह करके, हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब उन, कोई पता नहीं चला कि वो हिंदू नहीं थे, उनके घरों पे तरह तरह के देवी देवताओं के पोस्टर हैं, अब भी हैं, उनके दरवाजे पे खुद है, जो दरवाज़ा तोड़कर वो घुसे हैं वहाँ देवी देवताओं के पोस्टर लगे हुए हैं अब भी, उनके, वो उनके माथे पे सिंदूर था जो, और बता रही थी, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि निशानियाँ मौजूद हैं पहले से कि भाई आप नहीं जान पाए, घुस गए घर में, मार दिया, ऐसा नहीं। मसला जानते हैं सिर्फ ये है, ये नरसंहार सिर्फ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया, हर उस शख्स को टारगेट किया गया है जो बीजेपी आरएसएस के ख़िलाफ़ है। अच्छा, जब आप वहाँ पर घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो एनपीआर एनआरसी को लेकर लोग क्या, ज़्यादातर क्या अपनी राय दे रहे हैं? देखिए, जब जान बचाने की नौबत आ गई हो तो आदमी ये सब नहीं सोचता है, और सब वो लोग अपनी जान और खाने के लिए सोचते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? वहाँ जो सोच रहे हैं लोग, अभी फिलहाल ये सोच रहे हैं कि हमें 2 टाइम का खाना कैसे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पूरी आबादी, जो पूरी बस्ती है, वो डेली दिहाड़ी पे टिकी हुई है। वहाँ कोई ठेला चला करके रहता है, अपना गुजर बसर करता है, कोई सब्जी लगाता है, कोई कुछ करता है, यही सारी ऐसी ही आबादी है, कोई टेलर है, कोई कुछ है, मतलब वही, जिनका अगर दिन में अगर 1-2 दिन गैर हाजिर कर दे, वो ना जाए काम पे, तो उनका घर नहीं चलेगा। अब एक बात बताइए, 15-15 दिन से सब ठप पड़ा है, तो उनके सामने सिर्फ राशन का मसला है, सबसे बड़ा मसला राशन का। अभी वो एनपीआर एनआरसी के सिलसिले में कुछ नहीं सोच रहे हैं, जो ये चाहते थे वही हो गया है, कि लोग इससे डाइवर्ट हो जाएं, ऐसा ना सोचें, बिल्कुल एकदम से लोग यही सोच रहे हैं। मसलन आप बता दीजिए, माले हम राशन ले जा रहे हैं, हम चीज़ें ले जा रहे हैं, उनके पास ऐसा कोई बर्तन नहीं है कि उसमें रख करके खा लें, बना करके खा लें। एक चीज़ और है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कोई घर, तकरीबन वहाँ पूरी आबादी में 400 के आसपास घर जलाए गए, और कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर रख करके दागा ना गया हो, उसको विस्फोट किया गया है सिलेंडर रख करके घरों के अंदर। वो विस्फोट किस लिए? अब एक चीज़ सवाल तो ये है कि भाई सिलेंडर बगैर कनेक्शन के नहीं मिलता,
तो ये बगैर कनेक्शन के सिलेंडर आए कहाँ से, इस पर जाँच होनी चाहिए। अगर 400 घर जलाए हैं तो मेरे ख्याल से कम 1000 सिलेंडर रहे होंगे उनके पास, और ये 1000 सिलेंडर बगैर किसी उसके कहाँ से आ गए, किसने दिया, किस एजेंसी से आए, किसने प्रोवाइड कराया, ये ज़रूरी है, ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सरकारी एजेंसी से आए होंगे, जो भी आए होंगे। और कोई घर नहीं ऐसा है जहाँ 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर नहीं मिले। अब एक चीज़ और बता दें कि जैसे मान लिया जाए, कहा जाए कि भाई घर का ही गैस सिलेंडर जला दिया, ये भी बात कही जा सकती है कि घर का ही, हर घर में गैस सिलेंडर होता है तो उसी को जला दिया होगा, ऐसा नहीं है। हर घर में गैस सिलेंडर होता है, लेकिन सब में चूँकि खाना वाना बनता रहता है तो सब में पूरा गैस सिलेंडर नहीं होता है, और उससे विस्फोट इस तरह नहीं होगा। हमने देखा है दीवारें तक झड़ गई हैं, बहुत से ऐसे मकानात हैं, बहुत से ऐसे घर हैं जो भी बन रहे, पूरा बनकर तैयार नहीं हुए थे, मतलब उनमें काम चल रहा, हाँ उनमें काम चल रहा था, उनके टाइल्स गिर गए हैं, दीवारें फट गई हैं, छत फट गए हैं, तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा धमाका हुआ होगा तब ऐसी हालत हुई होगी। अगर किसी गैस सिलेंडर में 14 लीटर का गैस सिलेंडर होता है, अगर उसमें 1-2 लीटर या 3 लीटर गैस सिलेंडर है तो इतना बड़ा धमाका नहीं हो सकता, जाहिर है वो फुल गैस सिलेंडर रहे होंगे तभी धमाका हुआ होगा इतना बड़ा। तो ये चीज़ें, तो ये बहुत बड़ा जांच का पहलू, सबसे पहली बात। और ये जो मैंने बताया कि अब वो लोग इस पर सोच ही नहीं रहे हैं, उनको ये है कि दोबारा हमें कैसे शुरू करना है, ज़मीन तक उखड़ गई है, ऐसे ऐसे ज़मीन उखड़ गई है। मस्जिद में हमने जाके देखा, मस्जिद में खुद हमने अपने आँखों से देखा, वहाँ शराब की बोतलें पड़ी हैं, वहाँ लोगों को। अब एक बात बताइए, आप मान लीजिए जैसे दंगा करने गए, हम दंगा करें किसी को जलाने गए तो हम क्या करेंगे, जला के भाग लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मस्जिद में लोग टिके हुए थे, मस्जिद में टिके हुए थे बहुत ज़्यादा देर तक, वो उसकी निशानी है कि देखिए चखना भी वहाँ पड़ा है। अगर मान लिया जाए 2-4 लोग खाए होंगे तो 2-3 पैकेट चखने की होगी, 1-2 बोतल होगी शराब की, वहाँ पे कई बोतलें शराब की हैं और कई सारे पैकेट चखने के हैं, तो इसका क्या मतलब है, वहाँ आग भी जलाई गई है। मतलब जैसे एक तो होता है जलाई जाना कि आप जला तो सारी चीज़ें जल गई, लेकिन अलाव तापने के लिए जैसे, तो उस तरह की आग जलाई गई, इसका मतलब क्या है, वहाँ रात भी ठहरे थे लोग मस्जिद में, शराब पी है, सब कुछ किया है, मतलब वहाँ पूरा करके उसके बाद उसको गैस, मस्जिद में अभी भी सिलेंडर पड़ा हुआ है जिससे दागा गया है मस्जिद को, कुरान कैसे जलाया क्या, वो सारी चीज़ें आप जाके देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं जो विपक्ष के नेता हैं, क्या विपक्ष बिल्कुल समाप्त हो गया क्या? देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि विपक्ष समाप्त हो गया है या क्या हो गया है, इस देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये मेजोरिटेरियन की तरफ जा रहा है, कि मेजोरिटी क्या चाहती है। आप में से किसी को भी, या कोई हिंदुस्तानी भारतवासी हो इल्ला माशाल्लाह कोई हो, मैं नहीं कह सकता, चंद लोग होंगे, 10% 5% लोग अब भी हैं, बाकी अक्सर लोगों को इससे मतलब ही नहीं है कि मतलब क्या हो रहा है। संविधान जो है, संविधान हर एक एक इंडिविजुअल आज़ादी की बात करता है, इंडिविजुअल हुकूक़ की बात करता है, इंडिविजुअल इंसाफ की बात करता है। मान लिया जाए कि मुझे अकेला सताया गया है, पूरे हिंदुस्तान में अकेला सताया गया है, तो मैं अकेले खड़ा होकर प्रोटेस्ट कर सकता हूँ ना भाई, फंडामेंटल राइट, ये हमारा राइट है और हमें सुनना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि हमने वोट देकर के गवर्नमेंट बनाई है। लेकिन हो क्या रहा है कि मेजोरिटी जा किस तरफ रही है ये देखा जा रहा है, और हुकूमतें भी यही देख रही हैं। आखिरकार अभी इलेक्शन हुआ है कुछ दिन पहले, केजरीवाल साहब ने कोई भी ऐसा इलाका बता दीजिए जहां प्रोटेस्ट हो रहा हो और उस तरफ उन्होंने रैली की हो, नहीं की है, उन इलाकों में बिल्कुल रैली नहीं की है। जैसे शाहीन बाग है, इस तरफ पूरा इस इलाके में पूरा नहीं आए हैं वो, उन्होंने कोई एक लफ्ज़ इन लोगों के बारे में कहा नहीं है। ये अलग बात है कि उन्होंने NRC पर कहा कि जो है इसकी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ें की। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि इसी तरीके से आप कोई भी पार्टी, कांग्रेस ले लीजिए, उसको भी माइनॉरिटी के उससे मतलब नहीं है, माइनॉरिटी की बात एकदम साइड, कभी कभी कोई बोल देता है बीच में कि इससे लगे कि हम सेकुलर हैं। शिरकत कर रही हैं आप लोगों की आवाज़ को लेकर? देखिए शिरकत करना दूसरी चीज़ है, लड़ाई लड़ना दूसरी चीज़ है। हम भी आकर के यहाँ अगर 5 मिनट के लिए खड़े हो जा रहे हैं तो हम तो इतना है ना भाई कि हाँ हम आपके साथ हैं। बहुत सारे लोग वो भी हैं जो हमारे साथ लेकिन घरों में बैठे हैं, तो उसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं। मसला क्या है कि इस वक्त आप अगर हमारे साथ हो तो आपके पास कांग्रेस पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में केडर है, क्यों नहीं लेके उतरते? क्या प्रियंका गांधी पूरे कांग्रेस में अकेली हैं?
अगर वो अकेली आ रही है सड़क पे तो उनका इंडिविजुअल मसला हुआ, कांग्रेस का कहाँ हुआ? कांग्रेस का कहाँ हुआ भाई? लेकिन उसका फ़ायदा तो उन्हें पूरा मजमूई तौर पे होगा। मान लिया जाए अगर प्रियंका को सोच करके हमने वोट किया, हम मुसलमानों ने या जो एनआरसी सीए के ख़िलाफ़ हैं उन्होंने वोट किया, तो पूरी कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा उसका ना, तो पूरी कांग्रेस क्यों नहीं शामिल है इसमें? एक सवाल लास्ट, सुप्रीम कोर्ट खामोश है, हाँ क्या उनके खिलाफ भी आवाज़ उठना चाहिए? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट बायस्ड हो जाए तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा। देखिए ऐसा लगता है, देखिए जहाँ तक कोर्ट की बात है, मैं कोर्ट की नहीं कर रहा हूँ, जब भी संविधान के खिलाफ जो भी करे कोई भी हो उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। मैं इसके हक में, कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई भी हो या इदारा हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वो संविधान के खिलाफ जा रहा है और आपको लग रहा है आप अकेले भी हों, क्योंकि उसके मैं एक शख्स अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने अकेले, उसका अपना कुछ मुतालबा था, वो अकेले बैठा हुआ था व्हाइट हाउस के सामने, उसने मुजाहरा किया, एहतजाज किया अपना, तो हमें भी हक है, हम कर सकते हैं। मौजूदा स्थिति में क्या लग रहा है, मौजूदा स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या लगा? मैं ये आपसे, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका जो है ये बिल्कुल है कि जो है सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है, सबको महसूस हो रहा है, हर किसी को, कि वो दबाव में काम कर रहा है। और इसका जो है प्रमाण खुद है, जो इस वक्त बोबड़े साहब चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ गगोई साहब थे और चलमेश्वर साहब थे, चार लोग खुद आए थे, उन्होंने खुद कहा था कि दबाव में है कोर्ट। अच्छा, दबाव में कोर्ट है, अब उसकी एक मिसाल आज ही की है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो है योगी सरकार पोस्टर हटाए, अब योगी सरकार कह रही हम नहीं हटाएंगे। अब ऐसे आलम में और जस्टिस मुरलीधर को का रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया जाना, और उस पर जो जिसने दंगा करवाया वो कहता है कि जिसने हमें हटाने की कोशिश की उसकी नौकरी चली गई, तो आप सोचिए ना कि ऐसे आलम में सुप्रीम कोर्ट क्यों दबाव में नहीं आएगा, वो भी तो इंसान ही है।